हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या है। ये एक पार्टनर है। पार्टनर क्या कर रहा है, जो पार्टनरशिप फर्म है, यहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहा है। पैसा क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज़। तो होगा क्या बच्चे, जो ये पार्टनर है वो फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये फर्म के लिए हो जाएगी इनकम। क्या हो जाएगी, इनकम। जो कि कहाँ पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर ए है बी है दोनों का लिखिए और टोटल लिख दीजिए, राइट। और साथ में जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वहां पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप यहां पर बुक कर देंगे। अच्छा, इसके बाद एक सवाल उठता है कि सर एक बात बताइए, ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये कैलकुलेट कैसे होगा। तो मैंने कहा यही आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होता है। तो आइए शुरू। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेथड्स होते हैं इसके तीन। एक होता है बेटा आपका सिंपल मेथड। एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड। एक होता है आपका मंथ कैलकुलेशन वाला मेथड। मंथ वाला लिख देता हूं, मंथ वाला मेथड। सबसे पहले लिखिए आप डेट 1/4/2020, 30/6/2020, 1st August 2020 और 31st 12/2022। उसके बाद अमाउंट बताओ, 10,000, 20,000, 70,000, 50,000। उसके बाद है ना एक बेस डेट से मंथ निकालना है, मंथ निकालने हैं बेस डेट से 31st March 2021। 20 से स्टार्ट हो रहा है, हम 31st March 2022 21 तक देखेंगे कितने महीने। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 महीने हो गए आपके, 6 से लेकर 31, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ पर 9 महीने हो गए। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ पर 8 महीने हो गए और यहाँ पर 3 महीने हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, मेथड का नाम है सिंपल मेथड। तो बेटा सिंपल कैलकुलेट करते चलो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 10% 12 महीने के लिए 20,000 रुपये का कितना, 10% 9 महीने के लिए, 70,000 रुपये का 10% 8 महीने के लिए, 50,000 रुपीज़ का 10% 3 महीने के लिए। और उसके बाद इन तीनों की कैलकुलेशन का जो भी आएगा ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो इसे फटाफट से कर लेते हैं कैलकुलेट। 6, तो ये आ गया 8416, ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, जो कि आपके अप्रोप्रिएशन के बाई साइड में चले जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे, मतलब टू साइड पे चले जाएगा। सर हमें ये वाली बात समझ आ गई। मैंने कहा अगर ये वाली बात समझ आ गई तो वेरी गुड। वैसे इसमें कुछ था नहीं इतना खास, मेथड का नाम ही था सिंपल मेथड, हमने सिंपल तरीके से कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसी एग्जांपल को प्रोडक्ट मेथड से करता हूँ। तो सॉल्यूशन राइट सेम एज एग्जांपल वन की फिगर्स ले रहे हैं हम। चलिए सबसे पहले आप लिखिए डेट 1/4/2020, 30/6/2020, 1 August 2020, 31/12/2020, राइट। अमाउंट विड्रॉ कराओ 10,000, 20,000, 70,000 और 50,000। उसके बाद मुझे मंथ बताओ,
बेस डेट से मंथ हमने कितने निकाले थे, 12 महीने, 9 महीने, 8 महीने और 3 महीने। अभी मुझे प्रोडक्ट मेथड में इनका क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट करना है, मेथड का नाम है प्रोडक्ट तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कराओ भाई, 120,000, 9 × 18, 180, 56,000 और 1,50,000, 560, राइट। तो टोटल मेरे पास प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, तो 120 प्लस 180 प्लस 560 प्लस 150, तो 1,10,000 रुपये हमारे पास आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलता है प्रोडक्ट वाले मेथड में, जो हमारे पास 1,10,000 रुपये हैं इसका 10% कर देंगे। और भूल मत जाना 1/12 ज़रूर है लगाना, भूल मत जाना 1/12 ज़रूर है लगाना बेटा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में यही खास बात है, आपको लास्ट में 1/12 क्यों करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, अगर मैथमेटिकली इक्वेशन देखें तो इसमें हमने बेस में 12 तो लिया नहीं है, तो यहाँ पर एक एवरेज बेस, एवरेज करके हमने लास्ट में 1/12 से मल्टीप्लाई कर लिया। और अगर दूसरे तरीके से मैथमेटिकली बताऊँ तो 1/12 अगर मैं कॉमन लेके बाहर ले लूँ तो यही वैल्यूज़ निकलेंगे, इसीलिए लास्ट में 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसका 10% मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा 8,416, जो कि सेम किसकी तरह आंसर आ गया, सेम टू सेम, सेम सिंपल मेथड वाले तरीके से आंसर आ गया, और जो कि आना ही था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा जो लास्ट मेथड है बेटा आपका कौन सा, मंथ वाला मेथड। चलिए, मंथ वाला मेथड क्या कहता है, कहता है आप जो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हैं इसका हम आपको एक है ना जस्ट थ्योरम टाइप बना रखी है, एक फॉर्मूला बना रखा है, आप उससे भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसके लिए मुझे एग्जांपल दूसरा लेना पड़ेगा, क्यों वो अभी बाद में आपको समझाता हूँ, ये पहले मैं करके दिखा देता हूँ एग्जांपल। मिस्टर ए था, 10,000 रुपीज़ निकालता था पर मंथ, निकालता था बिगनिंग ऑफ द मंथ, निकालता था बिगनिंग ऑफ द मंथ निकालता था। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था 10% पर एनम। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लिखो 10,000 रुपये निकाल रहे हैं, कितने टाइम तक के लिए निकाल रहे हैं बेटा, 12 महीने तक के लिए निकाल रहे हैं, तो मैं इसे 120 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कुछ मंथ वाला सिस्टम करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट बात है, हमें कुछ मंथ लगाने पड़ेंगे, तो जो भी आएगा वो आपका फाइनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा आंसर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा आंसर। सर ये चीज़ समझ नहीं आई क्या है, ये तो बेटा अभी मैंने समझा ही नहीं है, अभी समझा रहे हैं। तो ये मंथ की कैलकुलेशन कैसे होती है, एक फॉर्मूला है, साथ साथ बोलेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। हाँ जी, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, इससे आपके मंथ निकलेंगे। सर ये अभी भी समझ नहीं आया, समझाऊंगा बेटा समझाऊंगा, अभी तो आपको सिर्फ देखना है, इसके अभी और भी एग्जांपल लेने पड़ेंगे मुझे जब भी समझ आएगा। जैसे कि एक बात बताइए, आपका पूरा साल है यहाँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना इस तरफ, मुझे बताओ वो एक जो ए था 10,000 रुपये पर मंथ निकालता था, बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालता था, पहला महीना, दूसरा, तीसरा, ऐसे 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 करके लास्ट का महीना, ये फर्स्ट मंथ, ये वाला लास्ट मंथ। सवाल ने बोला है हर महीने के शुरू में, मतलब जो फर्स्ट मंथ है उसका शुरू यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे पहली ड्राइंग की होगी, बोलो हाँ या ना। तो पहली ड्राइंग के बाद एंड तक कितना टाइम बचा, आप कहोगे सर 12 महीने, मैंने कहा ओके। और इसी तरीके से जो लास्ट मंथ होगा उसके भी इनिशियली में, शुरू में ही तो ड्राइंग की होगी, उसके बाद कितना टाइम बचा होगा, उसके बाद टाइम बचा होगा 1 महीना। और फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर करो 12 + 1 / 2, तो कितना आ गया,
6.5 मंथ, कितना आ गया 6.5 मंथ आ गया। तो अब मेरे को यहाँ पे 6.5 मंथ लिखना पड़ेगा और ये मेरा आंसर यहाँ पर आ गया है। यह आ गया 6,500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर सर ये ऐसा कर ही क्यों रहे हैं सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप इसी सवाल को ना नॉर्मल तरीके से सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना, किससे सिंपल मेथड से कैलकुलेट करना, आपका आंसर 6,500 ही आएगा। बस फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, आपको बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, पहले में 12 महीने का, फिर 11 महीने का, फिर 10 महीने का, फिर 9, 8, 7 ऐसे करके लास्ट तक ले जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स डेटा को शॉर्ट बनाया गया, थ्योरम्स लगाकर ये बनाया गया, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाकर आपका क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। सर 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 अगर ये वाला मेथड अप्लाई हो रहा है तो आप ये वाला मेथड क्यों कर रहे हैं। ये हुई ना बात, अब सुनो ध्यान से, ये वाला मेथड बेटा हर जगह अप्लाई नहीं होता। जो मंथ वाला मेथड है हर जगह अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ वहीं पर अप्लाई होता है जहां पर दो बातें एप्लीकेबल होंगी, दो बातें दिखाई देंगी। पहली बात, एक तो ड्राइंग का अमाउंट सेम है, मैं इसे यहां पर भी लिख देता हूं। पहली बात, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, और दूसरी बात सेम इंटरवल है। क्या है, सेम इंटरवल, राइट। एक तो हमेशा हम 10,000 रुपये निकाल रहे हैं और उसके बाद हमेशा एक सेम इंटरवल के बाद निकाल रहे हैं। सेम इंटरवल के बाद मतलब हर महीने के शुरू में, राइट। और हर महीने में 10,000 रुपये ही निकाल रहे हैं, तो ही ये वाला बेटा फॉर्मूला है अप्लाई होगा। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हमें इन दो मेथड्स में जाना पड़ेगा, राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल और करा देता हूँ और ये वाला टॉपिक हो जाएगा समाप्त। बोलो हाँ या ना, यस सर। और बच्चों मेरे जो भी एग्जांपल होते हैं वो सारे के सारे आपकी बुक के इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। आप क्या करना, इन एग्जांपल को कॉपी में लिख सकते हैं या अपना सीधा यहाँ से पढ़ के समझ के सीधा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मेथड ऑफ मंथ वाला लिख देते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे। चलो दो तीन एग्जांपल में मैं बात कवर कर दूंगा। एग्जांपल नंबर 1, मिस्टर ए विड्रॉ 5,000 पर मंथ एंड ऑफ द मंथ 4-9 मंथ। लो भाई, अब की थोड़ी सी एक नई चीज भी दे दी मैंने। और हर केस में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट रखूंगा वो रखूंगा बेटा 10% पर एनम। कितना रखूंगा, 10%। अच्छा पहले मुझे एक बात बताइए आप कि जो यहाँ पर मंथ वाला मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। सर सर भूल गए सर, कब लगता था बेटा, लगना क्या था, सेम वाला प्रिंसिपल देख लो, सेम अमाउंट हो, सेम इंटरवल हो। क्या वो हर महीने 5,000 रुपये निकाल रहा है, यस सर। क्या वो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहा है, फॉर एग्जांपल एंडिंग में, तो हर महीने के एंडिंग पे है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो आप क्या करेंगे, यस मंथ वाला मेथड लगा देंगे। तो सॉल्यूशन आप है ना रफ में ना ऐसे टाइमलाइन बना लेना ऐसे करके, टोटल 12 महीने होते हैं, हाँ जी सर, हर महीने के एंड में। लेकिन इस बारी 9 महीने तक निकालें तो ये वाले बेटा 9 महीने तक कंसिडर करेंगे और जो 3 महीने उन्हें भूल जाओ। तो अब सारा काम 9 महीने के हिसाब से देखना, क्यों, क्योंकि 9 महीने तक के लिए ही पैसा निकाला है। महीने के एंड में तो ये कितने महीने बचे होंगे, 8 महीने। इस महीने के एंड में यहाँ पर कितने मंथ बचे, 0, तो 8 + 0 / 2, तो 4 महीने का आपका लगना चाहिए। तो सॉल्यूशन, अब मेन सॉल्यूशन कर दो, 5,000 रुपये निकाले हैं, 9 महीने तक निकाले हैं 10% के हिसाब से, और 4 / 12, और यहाँ पर हमेशा 12 ही लेना है आपको। हमेशा 12 क्यों लेना है, आपके मन में ये डाउट आ सकता है, सर 9 महीने के लिए पैसा निकाला है तो क्या 9 ले लें, 6 महीने के लिए पैसा निकाला है तो 6 ले लें। द आंसर इज नो, यहाँ पर जो मंथ कंसिडर किए जाएंगे वो 12 ही किए जाएंगे, और जो 4 की कैलकुलेशन होती है उसके लिए वो वाला पार्ट मैंने पहले ही हटा दिया है।
राइट तो ये था एग्जाम्पल नंबर वन। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टू। सर कैटेगरी बताओ एक दो। मैंने कहा लो भाई क्वार्टर वाली बात करते हैं। मिस्टर बी था वो विड्रॉ कर रहा था 10,000 रुपीज पर क्वार्टर, राइट, मिडल ऑफ द क्वार्टर। लो भाई मिडल ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के बीच में। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सबसे पहले आप रफ में क्या बनाएंगे, टाइमलाइन बनाएंगे ऐसे करके। मुझे एक बात बताओ, क्वार्टर का हिसाब है तो मैं ये कह सकता हूँ क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, तो चार, तीन तीन महीने होते हैं। हाँ सर तीन तीन महीने होते हैं। क्वार्टर के मिडल में निकाल रहा है, तो पहला जो क्वार्टर है क्वार्टर के मिडल में तो बेटा यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से लेके एंड तक कितना कितने मंथ हो गए, 3, 6, 9, 9 और 1.5, 10.5 मंथ्स। अच्छा जो लास्ट क्वार्टर है एंड मिडल मतलब मिडल, तो लास्ट क्वार्टर के मिडल में भी निकाला होगा तो 1.5 मंथ, तो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास आ गया है 6 मंथ। कितना आ गया 6 मंथ। तो मेन सॉल्यूशन में अभी क्या लिखेंगे आप, 10,000 रुपये निकालने हैं, 4 महीने तक निकालने हैं, इसका 10% कर देंगे, 6 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, राइट। तो एक क्वार्टर वाली भी बात हो गई, समाप्त हो गई। बोलो बात समझ आती है? हाँ सर बात समझ आती है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर थ्री है, रिमाइंड रखना, स्पेशल पॉइंट्स डाल देते हैं, हालांकि कोई एग्जाम्पल नहीं है। पहली बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर इतना पैसा निकाला है, या एंडिंग या ओपनिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोल रखा, तो आप 6 मंथ का लगाकर चलेंगे, राइट। दूसरी बात, क्वेश्चन ने कह दिया 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो। जब बेटा 10% बोल रखा है, 10% के आगे कोई पर एनम वगैरह नहीं लगा रखा, तो हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% दे देंगे, यहां पर मंथ नहीं देखना। एग्जाम्पल बना देते हैं, मिस्टर बी था वो 10,000 रुपीज पर मंथ निकाल रहा था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 10% फुल स्टॉप। क्या है, फुल स्टॉप है, पर एनम नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा पर मंथ 12,000, 1,20,000, इसका कर दिया 10%, तो कितना आ गया 12,000 रुपये, सीधा सीधा आंसर आ गया, राइट। आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो ये था दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा टॉपिक। तीनों मेथड मैंने कवर कर दिए, ट्रीटमेंट कवर कर दिया, और दैट्स इट, राइट। तो ये वाली चर्चा हुई समाप्त। तो प्रेम से बोलेंगे।